नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। इस चैनल को आप सब बस इसी तरह से प्यार देते रहिए, वादा है आप सब से ये चैनल आपको कभी निराश नहीं करेगा। अगर आप अपनी कुछ कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आप अपनी कहानी मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। आज मैं आप सबको भानगढ़ किले की एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनाऊंगा, पर बता दूं आप सबको ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी का पूरा मजा उठाने के लिए और कहानी में खो जाने के लिए कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का मजा लीजिए। कई महीनों की प्लानिंग के बाद आखिरकार राहुल, अनिकेत, रूबी और पायल तैयार थे राजस्थान ट्रिप के लिए। आखिरकार चार दोस्त निकल पड़े अपनी गाड़ी में जयपुर की ओर। जयपुर में दो तीन दिन घूमने के बाद वो लोग अब भानगढ़ की ओर चले गए। भानगढ़ का किला अपने सामने देखते ही चारों की आंखें चमक उठी। राहुल ने कहा, ओ माय गॉड दोस्तों, फाइनली हम भानगढ़ में पहुंच ही गए। जवाब देते हुए रूबी ने कहा, हाँ यार, हमारा सपना सच हो गया। फिर कुछ देर बाद अनिकेत ने कहा, वो सब तो ठीक है पर मेन बात तो याद है ना सबको। पायल ने कहा, बिल्कुल याद है, कैसे भी करके यहाँ एक रात हमें गुजारना है। रूबी ने कहा, दोस्तों रात को यहाँ रुकना सही तो होगा ना। फिर से अनिकेत ने कहा, देखो रूबी, कानून के हिसाब से तो यहाँ रात को रुकना इल्लीगल है, पर कानून तोड़े बिना मजा भी तो नहीं है। फिर चारों दोस्तों ने खूब एंजॉय किया, कई सारे फोटोज़ क्लिक किए। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर सिक्योरिटी गार्ड सबको बाहर जाने के लिए बुलाने लगा। मन ना होते हुए भी चारों किले से बाहर आ गए और अपने होटल चले गए। इन चारों का प्लान था कि ठीक रात 12 बजे के आसपास वो किले में चुपके से जाएंगे और वहाँ सुबह तक रुकेंगे। अब रात के 11 बज चुके थे, चारों दोस्त एकदम तैयार थे किले में जाने के लिए। राहुल ने कहा, सब तैयार है ना? सब ने हामी भरा। फिर वो सब निकल पड़े भानगढ़ किले की ओर। करीब आधे घंटे बाद वो लोग किले की कुछ दूर ऑटो से उतर गए। ऑटो ड्राइवर ने जाते हुए कहा, अगर आप सब किले की ओर जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि रात को वहाँ जाने वाला कभी सुबह वापस नहीं लौटता। राहुल ने थोड़े गुस्से से कहा, ओ भाई अपना काम करो, चलो आगे बढ़ो। फिर वो ऑटो वाला वहाँ से चला गया। ऑटो के वहाँ से जाते ही रूबी बोली, गाइस हम लोग सही तो कर रहे हैं ना? फिर से अनिकेत ने कहा, अरे यार रूबी कुछ नहीं होगा, ये सब लोगों का डर है जो उन्हें मारता है। फिर चारों चलते हुए किले की ओर जाने लगे। अचानक उन्होंने देखा किले के बाहर अभी भी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। अनिकेत ने कहा, ओ शिट, अब तक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ खड़ा है? कई देर रुकने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड चला गया। अब चारों चुपके से किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा एकदम भयानक और डरावना था। पायल ने कहा, दोस्तों कैन यू बिलीव कि हम रात को भानगढ़ किले के अंदर हैं, इट्स सो एक्साइटिंग। पायल का बस यही कहना ही था कि बाहर से आवाज आई, कौन है अंदर, बाहर निकलो। ये वही सिक्योरिटी गार्ड था और वो अंदर की तरफ आ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड के डर से सब इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद शायद वो चला गया। राहुल और रूबी तो एक साथ थे पर पायल और अनिकेत वहाँ नहीं थे। फिर राहुल ने अपना मोबाइल निकाला और अनिकेत को कॉल करने लगा, पर वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अब राहुल और रूबी दोनों मिलके पायल और अनिकेत को ढूंढने चले गए। करीब 15 मिनट ढूंढने के बाद वे उन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब राहुल और रूबी को घबराहट होने लगी थी। राहुल ने कहा, रूबी हम दोनों अलग होकर ढूंढते हैं, शायद जल्दी मिल जाएं। पर रूबी ने साफ मना कर दिया। फिर वो दोनों किले के और अंदर जाने लगे अपने दोस्तों को ढूंढने। तभी अचानक रूबी डर के मारे एकदम से एक जगह पर जम गई। राहुल ने पूछा, क्या हुआ रूबी, क्या हुआ? रूबी ने सामने देखते हुए इशारा किया।
राहुल ने देखा सामने अनिकेत का कटा हुआ सर एक पत्थर पर पड़ा हुआ था। ये देखकर दोनों वहां से बाहर की ओर भागने लगे, पर उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी दोनों किले के एक कोने में जाकर बैठ गए और रूबी रोने लगी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम यहाँ आ गए। राहुल भी बहुत डरा हुआ था और वो एकदम चुपचाप बैठा था। वहीं दोनों बैठे ही थे कि राहुल अचानक से चिल्लाने लगा। रूबी ने जब राहुल की ओर देखा तो वो भी चिल्लाने लगी, क्योंकि राहुल के ठीक ऊपर दीवार पे पायल एकदम चिपकली की तरह चल रही थी और वो पायल का सर उल्टा घुमा हुआ था। ये नज़ारा देखते ही वो दोनों फिर से भागने लगे। तभी रूबी ने देखा सामने एक कुआं था। रूबी ने राहुल से कहा, राहुल मुझे पानी पीना है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो राहुल ने रूबी को पास ही बिठाया और वो कुएं के पास पड़े बाल्टी से पानी निकालने लगा। रूबी को बेहोशी छाने लगी थी। तभी राहुल भागते हुए पीछे से आया। रूबी एकदम से डर गई, क्योंकि उसके सामने अब दो राहुल थे, एक जो कुएं से पानी निकाल रहा था और दूसरा जो उसके पास खड़ा था। अब रूबी उठकर तेजी से भागने लगी। दोनों राहुल उसे बुला रहे थे, पर वो नहीं रुकी और भागती जा रही थी। तभी रूबी का पैर फिसला और वो एकदम से गिर पड़ी। जब रूबी उठी तो देखा वो जिस पर पड़ी हुई थी वो राहुल की लाश थी। रूबी का दिमाग अब काम करना बंद हो गया था, क्योंकि उसके पीछे दो राहुल आ रहे थे और उसके सामने राहुल की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देखने के बाद तो किसी का भी दिमाग हिल जाता। अब रूबी बेहोश हो गई। जब रूबी की आंख खुली तो देखा वही ऑटो ड्राइवर उसके पास बैठा था। रूबी चौंकते हुए उठ गई और कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? ऑटो ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मना किया था ना यहाँ आने से, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। खैर छोड़ो, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने बस यही कहा ही था कि रूबी फिर से बेहोश हो गई। फिर कुछ देर बाद उसकी आँख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में ही सो रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ। रूबी ने सोचा ये सब बस एक सपना ही था। वो काफ़ी खुश हुई। उसके पास राहुल, अनिकेत और पायल सब ठीक ठाक हालत में थे। राहुल ने कहा, अरे महारानी जल्दी से उठो, भानगढ़ किले में नहीं जाना क्या? रूबी ने घड़ी की ओर देखा तो ठीक रात के 11 बजे हुए थे, जैसे उसने सपने में देखा था। रूबी ने सबको किले में जाने से मना किया, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। रूबी ने अपने सपने की बात भी सबको बताया, पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर ना चाहते हुए भी वो उनके साथ किले की ओर जाने के लिए तैयार हो गई। और ताज्जुब की बात तो ये थी, वही ऑटो ड्राइवर उन लोगों को लेने आया था। अब रूबी को पता चल गया कि वो एक सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। रूबी ने फिर से सबको मना किया, पर कोई नहीं माना। फिर राहुल, अनिकेत और पायल रूबी को छोड़कर किले की ओर निकल पड़े। रूबी होटल में ही रुक गई। अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। किले में 3 लाशें बरामद हुई। उनमें से अनिकेत का सर कटा हुआ था और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे रूबी ने अपने सपने में देखा था। रूबी को बहुत दुख हुआ, पर होने को कौन टाल सकता है। तो ये थी दोस्तों भानगढ़ की एक कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।